नवरात्र की ढेर सारी एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंडियन मॉम चंद्रा के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी आ रहे हैं मैं और हस्बैंड मॉर्निंग वॉक से। बस अभी आए हैं और घर पर आके पानी पिया है और थोड़ा देर मैंने अपना योगा करा और उसके बाद मैं अब एक्सरसाइज वगैरह से फ्री हो गई हूँ। अब घर के काम करने हैं, तो हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है और उनके लिए आजकल मैं ज्वार बाजरा वो होता है ना उसके आटे की रोटियाँ बनाती हूँ। तो उसको बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, बार बार वो टूटते हैं तो बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलिए अभी उनके लिए दो पराठे बना दूंगी, मतलब पराठे नहीं खाली रोटियाँ ही बनाऊंगी और उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल दूंगी थोड़ा बहुत और फिर उसको ऊपर से उसमें घी लगा दूंगी थोड़ा सा, तो ऐसे उनको दे दूंगी दही के साथ। तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खा रहे हस्बैंड, या तो ओट्स वगैरह ही देती हूँ उनको। तो चलिए हम बच्चे भी मेरे उठ चुके हैं और अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर करनी है घर की क्लीनिंग। तो हस्बैंड अभी नहाने गए हैं, मॉर्निंग वॉक से आके थोड़ा पसीना हो जाता है ना, तो उसके बाद हस्बैंड गए हैं नहाने और मैं भी अपने काम शुरू करती हूँ। इस आटे में हस्बैंड ने ज्वार बाजरा और अलसी का आटा जो होता है वो मिक्स करा हुआ है, तीन चीज़ों का मिक्सर है इसमें। और इसमें अब मैं डाल दूंगी थोड़ा बहुत मसाले और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैं अभी बस इसमें डाल रही हूँ गोभी, गोभी जो मैंने अच्छे से कद्दूकस कर ली है, और बाकी इसमें डाल दी है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें जीरा, जो साबुत जीरा होता है ना वो। और अब इस आटे को हम अच्छे से गूंथ लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इस आटे को गूंथने में, काफ़ी जल्दी गूंथ जाता है। पर इस जितनी जल्दी इसका आटा गूंथता है ना उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा मेहनत लगती है इसकी रोटियाँ बनाने में। तो देखिए इसकी रोटियाँ हम बनाएंगे। पहले मैंने नीचे आटा रख दिया था खूब सारा सूखा हुआ आटा, ताकि ये नीचे चिपके ना और रोटी हमारी निकल जाए अच्छे से, क्योंकि इसको हम अगर निकालते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा टूटता है, तो इनको बनाने में काफ़ी आफत आती है। तो इस तरीके से मैं इनको निकालूंगी ताकि ये टूटे ना। देखिए बिल्कुल टूटने को तैयार है और उनके किनारे सारे टूटे हुए हैं, मतलब कि इनकी रोटियाँ ना बहुत टफ होती है बनाना। और ऐसे करके मैंने दो पराठे बड़ी मुश्किल से हस्बैंड के लिए बनाए, पराठे नहीं मतलब रोटियाँ, दो रोटियाँ बनाई मैंने बड़ी मुश्किल से और दो बनाई थी अपने लिए। बच्चे तो इनको नहीं खाते हैं पर हम बड़े खा सकते हैं, बच्चों को इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता ना, टूट जाती है बार बार इस वजह से। नहीं तो ये रोटियाँ काफ़ी हेल्दी होती हैं और इनसे फैट नहीं होता बिल्कुल भी हमारी बॉडी में, तो काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाती है ये, और खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रंची सी लग रही थी, बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में। और इनको चटनी के साथ खाओ फिर तो बात ही क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको चटनी के साथ खाना। हस्बैंड यहाँ पे चले गए हैं ऑफिस और मैंने अपने लिए भी बना लिया है एक रोटी, तो रोटी खाऊंगी मैं एक, और इसके साथ मैंने ले लिया है पुदीने और टमाटर की चटनी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और साथ में ले लिया है मैंने दही। आजकल मैंने दूध पीना बंद कर दिया है, तो दही आजकल हमें गर्मियों में ज़्यादा खानी चाहिए, तो आजकल मैं दही ज़्यादा जमाती हूँ और दूध का यूज़ बहुत कम होता है। तो चलिए अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर बारी आती है किचन क्लीनिंग की, तो यहाँ पे किचन की क्लीनिंग भी कर लूँगी हाथ के हाथ। बिट्टू जल्दी उठ गई थी, तो बिट्टू यहाँ पे कर रही है अपने ट्यूशन का काम जो कि उसने कल शाम को नहीं करा था, क्योंकि आज संडे था ना, तो इस वजह से उसने नहीं करा कि मम्मा मैं कल कर लूँगी। तो वो उठते ही लग गई है अपने ट्यूशन के काम को करने में, और अक्रिस उठता है ना तो उसको थोड़ा देर मेरी गोदी में बैठने की आदत है, तो वो थोड़ा देर ज़रूर बैठता है मेरे पास। तो अब मैं सारे काम अभी छोड़ के आ गई हूँ अपने, बस थोड़ा देर उसको पकड़ लेती हूँ तो वो भी खुश हो जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा देर बच्चे उठते हैं उनके साथ थोड़ा देर बैठो तो अच्छा भी लगता है, नहीं तो वो रोने लगता है कि मम्मा आपने मुझे पकड़ा नहीं। तो बस वो मुझे बैठा हुआ देखता है ना तो कहीं से भी भाग के आ जाएगा मेरी गोदी में बैठने। थोड़ा देर बच्चों को भी प्यार करते हैं, क्योंकि घर के काम तो कभी नहीं निपटते पर बच्चों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। आज बच्चों की
फरमाइश पे बना था उनके लिए सूजी का हलवा, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हलवा यहाँ पे बन चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी, जो कि इसके स्वाद को डबल करेगा। जब तक मेरा हलवा थोड़ा सा ठंडा होगा तब तक मैंने यहाँ पे बच्चों को नहला दिया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा गर्म हलवा नहीं खा पाते हैं, तो तब तक मेरा ये काम निपट गया है। दोनों बच्चे नहा धो के हो गए हैं बिल्कुल रेडी। उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि पहले बच्चों को नहला दो ना, तो फिर नहाना ठीक रहता है, नहीं तो बच्चे सारे कपड़े फिर से भिगा देते हैं नहाने में। तो चलिए, बच्चे नहा लिए हैं, अब इनको कपड़े पहना देते हैं। कैसा बना है हलवा? अच्छा बना। मजा आया? हाँ। अच्छा जी, मुझे लग रहा था कि दलिया है, लेकिन मैंने किचन में खुशबू सुनी सारे काम ख़त्म होने के बाद अब थोड़ा सा सेल्फ केयर भी कर लेते हैं, क्योंकि अपना ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर के कामों के साथ। और यहाँ पे थोड़ा सा लगा रही हूँ मैं नेल पेंट। वैसे मेरे को नेल पेंट वगैरह लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कभी कभार लगा लिया तो लगा लिया, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती हूँ। मुझे अच्छा भी नहीं लगता, और कई लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है हमेशा अपने नेल्स में पेंट, नेल्स पेंट लगा के रखते हैं, पर मुझे इतना ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है, कभी कभार मैं भी लगा लेती हूँ। और होता है लड़कियों में, तो देखो जब भी मैं नेल पेंट अपने निकालती हूँ ना, तो बिट्टू सारे काम छोड़ के आ जाती है नेल पेंट लगाने। तो मैंने तो लगा लिया अपने हाथों में, अब वो लग गई है लगाने में, उसका अभी आधा घंटा चलेगा, लगाएगी फिर मिटाएगी फिर लगाएगी, बस यही चलता रहेगा उसको। काम सारे मेरे निपट चुके हैं, और अब एक जो बहुत ज़रूरी काम जो मुझे करना है आज, वो है ये अक्रिस की बुक्स आ गई हैं सारी। ये है अक्रिस की बुक्स। अब और अक्रिस स्कूल जाएगा ना? हाँ। अक्रिस स्कूल जाएगा, और इसका एडमिशन वगैरह सारा हो गया है, तो ये स्कूल जाएगा अब। तो इसके बैग दिखाएगा अपना, बहुत ज़्यादा खुश है स्कूल जाने के लिए, और बहुत सारी बुक्स हैं तो इन पर मुझे कवर करना है अभी, और ये सारे काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे। ये है क्रिस का न्यू बैग। चलो मोटू पतलू है। आज है नवरात्र का सेकंड डे, तो कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया, इस वजह से आपको नवरात्र की बधाई मैंने नहीं दी। तो आज मैं आप सबको मॉर्निंग में मैं आपसे मिली थी, पर मैं बोलना भूल गई। तो चलिए, आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके घरों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, और आप सभी को स्वस्थ रखें और मस्त रखें, यही मैं भगवान से दुआएं करूंगी। और इन पर कवर वगैरह करना है, और देखना है लिस्ट में कौन कौन सी बुक आई है कौन कौन सी नहीं आई, कुछ रह तो नहीं गई, वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है ना एक बार। तो वो सारी चीज़ें लो बेटा, वो सारी चीज़ें चेक करती हूँ और इन पर कवर करती हूँ अब। और फिर क्या कहते हैं, लंच बनाना है, अभी लंच में थोड़ा सा टाइम है, तब तक ये छोटे मोटे काम में निपटा लूँगी।
हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं होता है, उनका ऑफिस का इतना लंबा हो जाता है ना, तो उनके पास भी टाइम नहीं होता, नहीं तो वो लगा देते हैं कवर। चलो देखते हैं अभी मैं जितने मेरे से लग पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, अभी तो सारा नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ क्योंकि फिर लंच भी बनाना है ना, तो अभी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और इसी के साथ ही अपने आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप सबने आज का वीडियो एंजॉय किया हो, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपसे मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।